समस्या बनती जा रही है। ऐसे में फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में भी पिछले लंबे समय से पानी नहीं आने की वजह से खुद वार्ड नंबर 16 के पार्षद राकेश भड़ान लोगों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कई अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद भी समाधान नहीं निकलने के चलते खुद पार्षद और उनके साथ स्थानीय लोग नगर निगम में ही धरने पर बैठ गए। पार्षद का कहना है कि बार बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद भी पानी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारियों को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद में तो पानी ऐसी समस्या हो गई है कि पानी ही सब कुछ है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो आदमी जी नहीं सकता। खाने के बगैर हम लोग कई दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम लोग 24 घंटे भी जिंदा रहना भारी पड़ जाता है हमारे लिए। तो पानी मस्ट है, और फरीदाबाद में तो हर गली, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक, हर कॉलोनी में पानी की जंग है। अब हम लोग को पिछले 2 महीने में छठा चक्कर है हमारा जो MCF दफ्तर का। सिर्फ एक ही चीज़ हमें मिल रही है और वो है सिर्फ आश्वासन। हम गरिमा मित्तल जी से मिल रही है, हम चीफ इंजीनियर से मिल रही है, आज हम एडिशनल कमिश्नर से मिले हैं। एडिशनल कमिश्नर मैडम कहती हैं कि मैं सैनिक कॉलोनी जाऊंगी और जायजे पे जाके देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। आज तक इन्हें यही नहीं मालूम कि प्रॉब्लम क्या है। अभी ये प्रॉब्लम का जायजा ही ले रहे हैं तो पानी कब हमें दे पाएंगे और कब नहीं दे पाएंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं। मुझे ऐसा लगता है जब तक सिर्फ ये राजनीतिक फ़ायदा देखते रहेंगे जब तक कोई समाधान निकलेगा नहीं। और पिछले मैं बताऊँ 6 साल में तो फरीदाबाद में जल संकट इतना ज़्यादा घेरा गया है। यहाँ पे जल माफिया इस तरीके से सक्रिय है, जो भूजल इस तरीके से यहाँ से लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, धोया जा रहा है और बेचा जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो 500 फीट को पार कर चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पानी का समस्या मतलब बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। और अभी MCF से ही किसी ने कहा था कि जो रेनी वॉल का पानी आता है नहर से, नहर के पास से, उनका लेवल भी डाउन होता जा रहा है। तो भविष्य में सोच लो कि हो सकता है आने वाले समय में वहाँ से पानी जो अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। दर्शन अरोड़ा प्रशासन में अभी हम परसों गए थे बूस्टर पे, तो हम लोगों ने 4 दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो हमने उनसे कहा, तो जेई को फ़ोन किया। जेई कहता है कि ऑपरेटर वगैरह की बदमाशी है, वो यहाँ वहाँ ट्यूबवेल खोल देते, पानी आ रहा था, आप तक नहीं पहुँचा, हम बात करते हैं। हमने उसको बुलाया, वो आया नहीं जेई। उसके बाद हम लोग सारे मिल के राकेश भड़ाना जी के घर गए, उनसे बातचीत करी, उन्होंने फिर अच्छे से बात किया, तब वो कल 4 बजे पानी आया, 1 घंटा पानी आया। उसके बाद भड़ाने जी कहा कि कम्प्लेक्स चलो, हम यहाँ आए हैं आज इनसे अपनी समस्या बताने के लिए। हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर का पानी रोड सड़कों पे ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की दिक्कत है, 3-4 दिन में पानी आता है, वो भी 1 घंटा बड़ी मुश्किल से, कोई टाइमिंग का पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, इससे हम बहुत परेशान हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम्प्लेक्स से रिक्वेस्ट है, एक्शन से रिक्वेस्ट है कि हमारी पानी की सीवर सड़कों की और सीवर की समाधान करें। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन तो पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक आम आदमी की सिर्फ सैलरी होती है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे या पानी के टैंकर लेंगे, तो हफ्ते में 2 बार टैंकर आता ही आता है, और हफ्ते में अगर यही 2 बार ये पानी दे दे तो हम लोगों का कुछ तो होगा, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक तो सड़कें, झुग्गी झोंपड़ी वालों से भी बहुत बुरे हालात हैं।